गाने की चार लाइन भूमिका पाएंगे। कि जल रही थी शमा जुर्म की हिंद में कर बगावत चली बागी वीरों की टोली, मौत का साज सहरा चले नौजवान अपने सीने में हंस के चुभा लेते गोली, कहते थे तूफान का मुख मोड़ देंगे उलट देंगे साहिल समुंदर की धारा, अब गुलामी का सूरज चमकने न देंगे इनकलाब नाहर लगाते थे नारा। यह बात उस जमाने की आप पाएंगे जब हमारे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, हमारे देश के नौजवान आजादी के लिए अपने जान की बाजी लगा दिए, हंसते हंसते फांसी के तख्ते को सावन का झूला समझकर चूम लिए, लेकिन भारत माता के दामन में दाग नहीं लगने दिए। एक तर यहां पाएंगे, देश के प्रति गाना है और तर जो है बा कि अब खिदमता कब्र से निकली, अरे खिदमता कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह, खिदमता कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह, खिदमता कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह, खिदमता कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह। ये तो तर्जबा लेकिन भाव कभी लिखे हैं क्या कि अरे बिबस आजादी वीरों से, कि अरे बिबस आजादी वीरों से लहू मांगे निशानी में, बिबस आजादी वीरों से लहू मांगे निशानी में, बिबस आजादी वीरों से लहू मांगे निशानी। अरे उठा दो क्रांति का धुआं, अब उठा दो क्रांति का धुआं, लगा दो आग पानी में, उठा दो क्रांति का धुआं, लगा दो आग पानी में, उठा दो क्रांति का धुआं, लगा दो आग पानी में, उठा दो क्रांति का धुआं, लगा दो आग पानी में। अरे खोई थी भारत माता आजादी के ख्वाब में, अरे खोई थी भारत माता आजादी के ख्वाब में, चलाते हुक्म शेरों पे गीदड़ रुआब में, एक रोज संग्रह पापी अंग्रेजों ने घेर कर, एक रोज सत्रह पापी अंग्रेजों ने घेर कर, चलाने लगे गोलियां सुभाष के ऊपर, नेताजी साथी अंग्रेजों को मार गिराए, भागे निशा में छुप के अपनी जान बचाए, एक बुढ़ा आदमी के घर में छिपे जाके, घायल सुभाष बुढ़ा से बोले हैं दुखा के, घायल सुभाष बुढ़ा से बोले हैं दुखा के। बारे मेरे हिंदुस्तान का शेर, सुभाष चंद्र बोस को एक दिन 17 अंग्रेज घेर लेते हैं, गोलियां दोनों तरफ से धुआंधार चलने लगी, हमारे देश का शेर नेता सुभाष चंद्र बोस 7 अंग्रेजों को मारते हुए अंधेरी रात का फायदा उठाकर भागते भागते जाकर एक बुढ़े से गरीब आदमी के घर में छिप जाते हैं, और छिप करके उस बुढ़े से उस गरीब आदमी से नेता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं क्या, एक तर्ज विराह में आप नहीं नहीं पाएंगे जो ने इसमें बड़ा तहलका मचोले बाका। अरे हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी हो, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी हो, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी हो, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, पैदल ही अइली तोहरे द्वारी हे भोले बाबा, पैदल ही अइली तोहरे द्वारी। लेकिन उस बुढ़े से नेता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं क्या कि अरे जनवा बचाला बोले नेता बन दुखारी हो, जनवा बचाला बोले नेता बन दुखारी हो, जनवा बचाला बोले नेता बन दुखारी हो, जनवा बचाला बोले नेता बन दुखारी।
बुढ़ा का एक लौता बेटा रहला आनंद पाल हो, अपने आशा दुल्हन के संग सोया रहा लाल हो, व्याकुल सुभाष जी को देखा जब निहारी हो, व्याकुल सुभाष जी को देखा जब निहारी हो, व्याकुल सुभाष जी को देखा जब निहारी हो, व्याकुल सुभाष जी को देखा जब निहारी, अरे खुश हुआ वीर बलकारी साहब। बात मिली, नेता सुभाष चंद्र बोस बुढ़े के घर में छिप जाते हैं, और जब छिपते हैं तो बताते हैं बुढ़े से कि दादा मैं नेता सुभाष चंद्र बोस हूं, अंग्रेज मेरा पीछा किए हैं, आपके घर में छिपा हूं। लेकिन उस बुढ़े का एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था आनंद पाल, अपने दुल्हन आशा के साथ सेज पर सोया था। सुभाष और अपने पिता की बात जब सुनता है वो लड़का निकल कर आता है, आनंद पाल नेता सुभाष चंद्र बोस को पहचान जाता है, और जो पहचान गया तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा पसंद हुआ वो लड़का आनंद पाल। और करता क्या है, यहाँ एक थे तर्जा पहन, ये तर्ज के एक थे दुल्हन जो रह घास करे, एक मेहरारू गई घास करे सिवान में, एक थे गांजा का पेड़ देखल है तो ये गांजवा के सूरा सूरा कह लगे लोग मर जो रहा गंजेड़ी निकल गया। लड़का का कहल है कि अरे यही रे गांजवा, अब यही रे गांजवा, असैया भइल ना से बाजवा, यही रे गांजवा सैया भइल ना से बाजवा, यही रे गांजवा सैया भइल ना से बाजवा, यही रे गांजवा सैया भइल ना से बाजवा, यही रे गांजवा कि अरे गांजवा के पीछे बर्बाद भइल राजवा, बर्बाद भइल राजवा, यही रे गजवा असैया भइल रंडी बाजवा, यही रे गजवा असैया भइल रंडी बाजवा, यही रे गजवा असैया भइल रंडी बाजवा, यही रे गजवा। लेकिन नेता सुभाष चंद्र बोस को देखकर विह्वल होकर वह लड़का आनंद पाल बुढ़े का कह रहा है कि यही रे बीरवा, अब यही रे बीरवा, आ उमरल से हका सगारवा, यही रे बीरवा उमरल से हका सगारवा, यही रे बीरवा उमरल से हका सगारवा, यही रे बीरवा उमरल से हका सगारवा, यही रे बीरवा। अरे सोच वीर नेता आइला हमारे सरानिया, सोच वीर नेता आइला हमारे पाल को देशभक्ति जागृत होती है। सोच रहा है वो लड़का कि अरे सोच वीर नेता आइला हमारी सरानिया, आ जनवा बचैबा अपन देख के जिंदगानिया, जनवा बचैबा अपन देख के जिंदगानिया, जनवा बचैबा अपन देख के जिंदगानिया। अरे नेता का पसा का चट, अरे पहिनी के जुझारावा, यही रे बीरावा आ घर से भागी चाला से रवा, यही रे घर से भागी चाला से रवा, यही रे घर से भागी चाला से रवा, यही रे घर से भागी चाला से रवा। सोच रहा है नंदपाल कि नेता सुभाष चंद्र बोस अगर बचेंगे तो देश में आजादी लाएंगे, हम मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, तो नेताजी को आज बचाना है, मेरे घर में छिपे हैं। वह आनंद पाल लड़का नेता सुभाष चंद्र बोस का पोशाक पहन करके और धीरे से फरार हो गया घर से। नेता सुभाष चंद्र बोस उस घर में छिप गए। देखें होता क्या है, तर्जमा कि अरे गवने का रात दुखदाई रे, अब हिन ले ना भूले, गवने का रात दुखदाई रे, अब हिन ले ना भूले, गवने का रात दुखदाई रे, अब हिन ले ना भूले, गवने का रात दुखदाई रे, अब हिन ले ना भूले। अरे काढ़ी ले ला मोर नई हरी कमलवा, अच्छतिया पचड़ी के टोवेला दोनों गलावा, पचड़ी के टोवेला दोनों गलावा, अच्छतिया पचड़ी के टोवेला दोनों गलावा। अरे काट लेला जैसे रस मलाई रे, अब हिन ले ना भूले, काट लेला जैसे रस मलाई रे, अब
कि अरे गोली मार दिहल कसाई हो। वह आनंद पाल लड़का बुढ़े का जब नेता सुभाष चंद्र बोस का पोशाक पहनकर घर से भागता है, अंग्रेज नेता सुभाष समझ करके और लड़के पर गोली चला दिए तो भाव कभी लिखे कि अरे गोली मार दिहल कसाई हो मुरझायल सुमनावा। सोच वीर भेद जान जई हम उदैया, आ सोच वीर भेद जान जई हम उदैया, नेता को कैद कर ली है कसैया, नेता को कैद कर ली है कसैया, नेता को कैद कर ली है कसैया। अरे नेता को कैद कर ली है कसैया, अरे कूद गया नदिया में जाई हो, अरे कूद गया नदिया में जाई हो मुरझायल सुमनावा। कूद गया नदिया में जाई हो मुरझायल सुमनावा, कूद गया नदिया में जाई हो मुरझायल सुमनावा, कूद गया नदिया में जाई हो मुरझायल सुमनावा। अंग्रेज जब गोली मार देते हैं आनंद पाल को, सोचता है कि अगर मुझे पहचान गए सब तो नेता सुभाष चंद्र बोस मेरे घर में पकड़ लिए जाएंगे, तो कोई ऐसा अमर करूं कि अंग्रेज मुझे पहचान न पावे, समझे कि यह नेता सुभाष चंद्र बोस था। गोली लगी है, वो लड़का नदी में कूद गया, कूद करके अपने जान को दे देता है। तो लड़का तो नदी में कूद करके जान को दे दिया, लेकिन तन यहाँ एक थे भाव कभी लिखलन तर्जवा है बा तनिकन बढ़ के दा मास्टर आए कि अरे जब ऐसे बोलबू बोली, अरे तब के कराई मानन डोली, अरे चोली उह मंगवाई दा नाता चली जाई, चोली उह मंगवाई दा नाता चली जाई, गोली चोली उह मंगवाई दा नाता चली जाई, गोली चोली उह मंगवाई दा नाता चली जाई, गोली। अरे पवली खबरिया रोव गवने की गोरी मोरी, आधा जल में नैया सैया लागी कवनी होरी, मोरी आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी, मोरी आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी, मोरी आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी। अरे चंदवा हेराए गईले कवनी बदरिया, अरे चंदवा हेराय गईले कवनी बदरिया, जरेले जवानी जैसे जल बिन मछरिया, अरे सपना सुहाग भैला नहिया के तोरी मोरी, आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी, मोरी आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी, मोरी आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी, मोरी आधा जल में नैया सैया लागी कवन होरी। बाबूजी वह दुल्हन आनंद पाल की रो रही है अपने पति की मृत हो जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद वह लड़की रो रही है। लेकिन वो लड़की कई लेका कि राखी बांधी नेताजी से कहले मया नवा, अपने सेना में हमके रखिला बीरा नवा, अरे बदला चुकई बा बोली बीरही चकोरी मोरी, आधा जल में नैया सैया लागी कौनी होरी, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में राखी बांध कर आशा लड़की आनंद पाल की दुल्हन भाई बना लेती है सुभाष चंद्र बोस को और कहती कि नेताजी मेरा पति जब देश के लिए शहीद हो गया आपके जान को बचाने के लिए, तो अपने पलटन में अपने फौज में मुझे भी भर्ती कर लीजिए, मैं भी देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगी। भाई साहब जब इतना बतिया वो बहन का आशा का सुन लह नेता सुभाष चंद्र बोस तक कहत का बटन तर्जबा कि ये रामाया खिया काका जरावा, रामाया खिया काका जरावा, सैया मोर जुलू मावा कैने हो रामाया मोर जुलू मावा कैने हो रामाया
दादा कलिय गिनिया बिरही जवानिया भइल हो रा सुभाष एक कत्ल करके अइबू बोले सुभाष एक कत्ल करके अइबू हां कि अरे बोले सुभाष एक कत्ल करके अइबू आ तब हमारे सेनावा में स्थान पइबू तब हमारे सेनावा में स्थान पइबू तब हमारे सेनावा में स्थान पइबू हां तए राम बनठन चली है मोहनिया काली नगिनिया भइली होरा सुभाष कहते हैं कि पहले एक मडल अंग्रेजों का कत्ल करके आओगी तब मेरे सेना में तुझे जगह मिलेगी। भाई साहब इतनी बतिया जब वो आशा लड़की सुन ले बा पूरा सुंदर साज सिंगार करके सुंदर मोहनी का रूप बना करके और चल देती है अंग्रेजों के खेमा की तरफ। यहाँ तर्ज कवि देहलन गोरी है कलाइया पिन्हा दे मुझे हरी हरी चूड़िया अरे अपना बना ले मुझे साजना गोरी है कलाइया अरे बागी दिल बनाई के अंग्रेजों के खेमा में जाई के जलावा दिखाने लगी नाजनी बागी दिल बनाई के अंग्रेजों के खेमा में जाई के जलावा दिखाने लगी नाजनी बागी दिल बनाई के अंग्रेजों के खेमा में जाई के जलावा दिखाने लगी नाजनी ऊपर पापी गोरे गए भुलाई पिता उसने पापी गोरे गए भुलाई पिता उसने ऊपर पापी गोरे गए भुलाई हर जहर घोल चाय में दी सबको पिलाई तछल बिष खाई के मरे सोलह गोरे बेकलाई के जलवा दिखाने लगी नाजनी भाई साहब वह लड़की जहर छिपा करके अंग्रेजों खेमा में जाती है और अपने नाच गाना से उन सबों को एकदम फिदा कर देती है। उसके हुस्न पर जब अंग्रेज दीवाना हो गए तो चाय बनाती है उन सबों के लिए, उसी चाय में जहर मिला देती है और उस चाय के पीने से भाई साहब 16 अंग्रेज मर जाते हैं। और जब 16 अंग्रेज मर गए तो बड़ा खुशी खुशी वह लड़की नेता सुभाष चंद्र बोस के सामने पहुँचती है। तो कभी यहाँ टेरी लिखलन का वरण चंडी बोली बंदे मातरम अरे पिस्टल गरज उठी चुग गई जिगर में गोली अर हो गोली अर हो गोली अर हो गोली अर हो गोली तोड़ के पत्थर को भाता निर्झर का निर्मल पानी है दिन रात सफर करता मानो जीवन की यही कहानी है करके लक्ष्य पूरा अपना तब आशा तुरंत फरार हुई अरे तब तक दुश्मन की गोली जाके सीने में वह पार हुई 17 अंग्रेजों को मार करके वह आशा लड़की भाग रही थी। अंग्रेजों को खबर मिल गई भनक मिल गई कि हम लोगों के साथ चाल करके भाग रही है। भाई साहब अंग्रेज गोली मार देते हैं बाबूजी वह लड़की तो मर जाती है। लेकिन कभी एक बात लिखना तर्जवा बदल गई निर्गुण का तर्ज है बा कि अरे लाला की महलिया में लाला की चुनरिया मोरे राम लाला आशा लड़की 17 अंग्रेजों को मारकर अंग्रेजों को गोली से अपने भी मर जाती है। तब
खबरिया नेता सुभाष चंद्र बोस के लगल तो भावा कि अरे पवला खबरिया रोवा नेता भरी नया नवा मोरे राम नेता भरी नया नवा मोरे राम नेता भरी नया नवा हो राम कि ए रामा ए रामा ए रामा ए रामा ए रामा बहिनी कहो मारा नवा बनवा बे धेला हो रा जोगिनिया मोरे राम आ मटिया में मिलाया दिहली फूला सी जवानिया मोरे राम तया सुआ बहावा दुख में धरती आओ गगनावा मोरे राम धरती आओ गगनावा मोरे राम धरती आओ गगनावा हो राम किए रामा बनवा बे धेला हो रामा बिल के बिरनवा बनवा बे धेला हो रामा बिल के हो बिरनवा बनवा बे धेला हो रामा बिल के हो बिरनवा बनवा बे धेला हो नेता सुभाष चंद्र बोस आशा के मरण पर आंसू बहा रहे हैं लेकिन भाई साहब यहाँ एक तर्ज बदल गई और तर्जवा वह बा कि अरे हमारे बलमुआ का पातर कमर पलटनिया में जाए नहीं दे पलटनिया में जाए रही बनैबे होटलिया में खाए नहीं दे होटलिया में खाए नहीं दे होटलिया में खाए नहीं दे हर बोला सुभाष जी से बुढ़ा बल करिया नजरिया में लो लहरा नजरिया में लो मरद बेटा हो बहावेला पनिया वह बुढ़ा नेता सुभाष चंद्र बोस को समझा रहे खेरे बचवा तू हमरे रहते रोवत बाटा अरे होई के मरद बेटा बहावेला पनिया भैली तोहारे आज हो बिरथा जवनिया अरे तोहारे सहारे बहिंद कनवरिया नजरिया में लो लहरा नजरिया में लो लहरा बेटा आज तुहरे सहारे पूरा हिंदुस्तान बा तू आंख में आंसू हमरे पतो के मरले पर बहावत हवा हमरे बेटवा के मरले पर बहावत हवा अरे बेटा तुहरे जिंदगी के तुहरे जवानी के धिक्कार हो बुढ़ा का ताना जब सुनलन है नेता सुभाष चंद्र बोस तब कैलन का अरे गरज उठा बागी बुढ़ा मरदाना तनावा बेधतबा अरे गरज उठा बागी बुढ़ा मरदानावा तनावा सुलगतबा आ झूठे पवला मरद जनमवा तनवा सुनगतबा अरे बीतल जोर जवानी अब तयाइल मोर बुढ़ौती हो कैसे होला युद्ध जंग में चली के तुह देखवती हो अरे गर्व करे तुहरे पर हिंदुस्तानवा तनवा सुनगतबा आ कैसे हो आजाद मोर वतनवा तनवा सुनगतबा अरे बाप रे बाप वो बुढ़ा का जब इतना बात नेता सुभाष चंद्र बोस सुनलन है कि आज बुढ़ौती में बुढ़ा में साहस का बात कह रहा बा तो नेता सुभाष चंद्र बोस कैलन का यहाँ सदर आल्हा का बात बा कि अरे झुकना पहाड़ के तनो उमड़े तूफानवा भैया झुकना पहाड़ के तनो उमड़े तूफानवा भैया आ शेरावा के गोदी नाही जन्मे सियारा सियारा
दानवा ए भैया झंकेला बुढ़िया मेवा बूढ़ा मारा दानवा ए भैया झंकेला बुढ़िया मेवा बूढ़ा मारा दानवा ए भैया सपना हो गईला बहू बेटावा हमारा सपना हो गईला बहू बेटावा हमारा सपना हो गईले बहू बेटावा हमारा एक बात बुढ़ा कहत बा का कि और बेटा जब कि भगवान दहले रहते आय रे और बेटा जब कि भगवान दहले रहते यार विपदा में देसावा का करत गोहार यार बीत गईली नेता आजा हमारो जवानिया यार फिर अभी मदद दिया करब हम तोहारे हमके रनावा में देखिया अरे हमरे पीछे होके करी हम उदई पवारे अरे दुश्मन का गोलिया लागी हो सीनावा में अरे ये कहाँ थे लसिया के रखी हा संभारे अरे दूसरे हाथे दुश्मन पर गोलिया चलिया अरे कितने गोली पपियन का हो जाई बेकार बुढ़ा कहा नेता सुभाष चंद्र बोस का करी एक बेटवा और बिटिया रहलन एक पतो एक बेटवा देश के लिए कुर्बान हो गिलन और हमारे पास बेटवा रहता तोहके आजादी के लड़ाई लड़े बदे तोहरे टोली में भर्ती कर देतीन लेकिन हमार तो बुढ़ौती बा एक बात हम कहत बड़ी तोहर मदद करब लड़ाई में अपने आगे हमके कर लिहा नेता सुभाष चंद्र बोस हमारे आड़ से एक हाथे से जौन बा हमार लाश पकड़ ले रही हमारे सीना में गोली लगी कितनों गोली लगी लाश पकड़ ले रही और एक हाथे हमारे आड़ में होकर तू गोली चलाया बारे वह बहादुर वह बुढ़ा कह रहा क्या कि अरे जवानी का जोश जागल नेता के बदनिया अरे बुढ़ा के चरनिया हो चुमे बार बार अरे बुढ़ा के चरनिया हो चुमे बार बार अरे तौले नेताजी को घेर लिए दुश्मनवा अरे जूझ गई नेताजी समरिया मझार बुढ़वा के बात सुन करके नेताजी चरण चुमे लगलन तब तक अंग्रेज घेर लिए नेताजी को लेकिन नेताजी कहलन का पड़ के गीदड़ों के गोल में अकेला अरे सेरवा सीधे गोली का निशानवा बघेला बीरावा तो 35 अंग्रेजों को मारे गोलियां चलाई के जख्मी जवान कूदे नदिया में जाय के अरे डूबन लागे बीच धरवा बेधेला पीरावा नेता सुभाष चंद्र बोस 35 अंग्रेजों को उस गोली से मारते हैं और 35 अंग्रेजों को मार करके जख्मी हो चुके थे जाकर उसी नदी में कूद कर उस पार होना चाहते हैं जब नदी के बीच धारा में जाकर डूबने लगते हैं मेरे दोस्तों तो देखे होता क्या है कि तब से एक लाश बहते आई लीचे धारावा आज कर सहारे पहुंचे नेताजी की भाई साहब बीचे बीच में डूबना चाहते हैं एक लाश इनको मिलती है लाश के सहारे किनारे हो गए और जब किनारे हो गए लाश को उलटकर उस लड़के का उस लाश का मुंह जब देखते हैं तो क्या पाए रहली आनंद वाली लसिया महान हो बिहरे ले छाती रोव नेता दुख मान हो अरे भरी के भी दिहला सहारा हीरावा साधे गोली का निशानवा बघेला हीरावा गणेश गुरु रामलाल धन आजादी के परवाने बच्चन कहते कभी चंद्रिका जन्नत में सुख माने हो अब जन्नत में सुख माने हो अरे रणचंडी बोली बंदे मातरम अरे रणचंडी बोली बंदे मातरम अरे बेचन कभी मुसाफिर लगी जिगर में गोली रणचंडी बोली बंदे मातरम।